हेलो फ्रेंड्स, मुझ बीरेन आपको बीरेन अकाडेमी स्वागत करें। ये भिडियो मुझे ट्राडिशनाल जीके पार्ट फाइव नहीं जोटा कि आदर्श विद्यालय बहुत इंपोर्टेंट हे। या पूर्व मुझे यहाँ चार्टा पार्ट देदेगी, आप देखना जाए प्लेलीस्ट देखिए कहीं बहुत इंपोर्टेंट कहीं जी आम जनरल अवेयरनेस सेक्शन ने करंट अफेयर कम क्वेश्चन आसो ट्राडिशनाल जीके हिस्ट्री और पॉलिटिक्स रु अधिक क्वेश्चन आसपा आप लास्ट जाए देखिए कि देखते यठार मुझे तीस टी क्वेश्चन नहीं आपको बहुत किसी कथ जानक पड़ो। क्वेश्चन भल भाव सहित डिस्कसन करी और जब आप चैनल को सब्सक्राइब करना दया करी सब्सक्राइब करदे जहाँ कि यहाँ भिडियो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलते स्टार्ट करवा प्रथम क्वेश्चन जब आपको ये कह कौन अच्छी प्रथम कल ऑफ बैक टू द वेदर्स वाज गिवन बाय द जो थिला हमर बैक टू द वेदर्स को किए दे। देखो ऑप्शन ये अच्छी कौन आपर स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद, अरविंद घोष, राजरमन रॉय। सो ये राइट आंसर आपर कौन हम स्वामी दयानंद सरस्वती हम राइट आंसर। स्वामी दयानंद सरस्वती आर्या समाज फाउंडर भी थे आपण मैंने मन रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ आसवर बहुत चान्स अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हू एमंग द फॉलोइंग स्टार्टेड द फास्ट न्यूज पेपर इन इंडिया। इनका भितर किए प्रथम इंडिया न्यूज पेपर स्टार्ट करते। देखो प्रथम ऑप्शन अच्छे कौन दादा भाई नारोजी, डब्ल्यू सी बनर्जी, रवींद्रनाथ टागर, जेम्स ए हिके। देखो ये हमारे राइट आंसर कौन हम जेम्स ए हिके जे कि न्यूज पेपर स्टार्ट करते। से न्यूज पेपर में कौन थी ना से जो प्रिंटर रू स्टार्ट होता थिला बेंगल गजेत बोली थिला एटा एसीआर भी फास्ट न्यूज पेपर मन रखे वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन एसीआर एटा फास्ट न्यूज पेपर थिला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये कौन कला द बहुदान मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बाय बहुदान मूवमेंट जो थिला सेटा कहा द्वारा लॉन्च होता। देखो ऑप्शन अच्छे महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, विनोद भावे, रामनोहर लोहिया। देखो ये जो हमारे राइट आंसर कौन हम क्या द्वारा यहाँ लॉन्च होता ना विनोद भावे द्वारा यहाँ लॉन्च होता जोटार कि आपण मैंने जानते विनोद भावे जो गोटे जन मैंने गांधीजी स्पिरिचुअल टीचर भी सी थे आउ ये जो मोमेंटा को जो थिला बहादुर मोमेंट या लैंड रिफॉर्म मोमेंट भी कहा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिया कौन अच्छी ना नेक्स्ट क्वेश्चन ये अच्छी आपणकर बेगम हजरत महल लेड द 1857 रिवोल्ट फ्रॉम जो बेगम हजरत महल थी सीटे कौटू रिवोल्ट स्टार्ट करते कौटू विद्रोह सी स्टार्ट करते ना विद्रोह सी स्टार्ट करते लखनऊ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन दे ना मोर जो अच्छे कौन बारही सत्याग्रह जी आसोसीएटेड विथ बारही सत्याग्रह कहा क्या सहित ये आसोसीएटेड राजेन्द्र प्रसाद ना आचार्य विनोद भावे ना सरदार वल्लभ भाई पटेल ना जमनलाल बजाज। देखो ये जो हम राइट आंसर कब क्या द्वारा स्टार्ट होता ना सरदार वल्लभ भाई पटेल केवे स्टार्ट होता मन रखे 1928 स्टार्ट होता स्टेट थी कौन गुजरात वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कौन दे ना आप नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए हू प्रपाउंडेड द पंसिला प्रिंसिपल। पंसिला जो प्रिंसिपल थिला तो किए प्रपाउंड करते। देखो पंसिला प्रिंसिपल कथा मुझे कहीदेवी प्रथम प्रिंसिपल थिला आप मन रखिए प्रथम थिला कौन म्यूचुअल रेस्पेक्ट थिला प्रथम सेकंड थिला कौन म्यूचुअल नॉन एग्रेशन थिला थर्ड थिला म्यूचुअल नॉन इंटरफेरेंस थिला आमर फोर्थ जी थिला इक्वल एंड म्यूचुअल बेनिफिट थिला फिफ्थ जी थिला कौन आप जानते पीसफुल कोएक्सीडेंस जो आमर थिला पीसफुल कोएक्सीडेंसटा लास्ट थिला तो यहाँ को किए करते ना यहाँ को आमर जो थिला कौन रिफर्म होता आपड़ी मुझे कहबी इंडिया चाइना सहित गोटे रिफर्म होता जोटा कि पंसिला प्रिंसिपल होता रिफर्म आप रिफर्म मैंने इंडिया चाइना सहित किसी गोटे रिलेशन एस्टाब्लीश होता से किए देते ना पंडित जवाहरलाल नेहरू देते मन रखिए पांचटा जो पंसिला कहली फास्ट कौन कही म्यूचुअल अफ रेस्पेक्ट नेक्स्ट म्यूचुआल अफ नन आग्रेसन थर्ड म्यूचुआल अफ नन इंटरफेरेन्स देन इक्वाल एंड म्यूचुआल बेनिफिट देन फिफ्थ हूँ पीसफुल अफ कोएक्जिस्टेन्स एटा होता रिलेसन क्या क्या रिलेसन भितर चाइना आउ इंडिया भितर कि मानने रिलेसन से कौन कि गोटे मैंने प्रस्ताव दि जाइला। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी ना द सती सिस्टम वाज एब्लिश्ड इन 829 AD बाय सती सिस्टम क्या द्वारा ये एब्लिश्ड कर हटे दि जाइए। देखो ऑप्शन अच्छी लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड लिप्टन, लॉर्ड विलियम बेंटिक। सो क्या द्वारा यहाँ होता ना लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा आउरी आम इंडिया जन थे सी भी एग्नेस्ट जाते किए ना राज रमन रॉय मन रखिए वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन राज रमन रॉय। ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कह दिला ना हू वाज द फास्ट मुस्लिम प्रेसीडेंट अफ द इंडियान नेशनल कंग्रेस। इंडियान नेशनल कंग्रेस प्रथम मुस्लिम प्रेसीडेंट किए थे यहाँ तो भेरी भेरी इजी क्वेश्चन आप जानते क्वेश्चन आंसर से भी कौन कि मुझे कहबी ना किए थे सीना मोर जो बद्रुद्दीन तेबाजी थे सीए थे सी भी थर्ड प्रेसीडेंट भी इंडियान नेशनल कंग्रेस थे। ओके फास्ट इंडियान नेशनल मैंने मुस्लिम प्रेसीडेंट थे
ଆଉ ପ୍ରଥମେ ସିଏ କ'ଣ କି ଯେଉଁ ଆମର ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଥାର୍ଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ମାଦ୍ରାସ ସେସନରେ, ଯେଉଁଟା କେବେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ନା 1882 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିଲା ମାଦ୍ରାସ ସେକ୍ସନରେ, ସିଏ କ'ଣ କି ଥାର୍ଡ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ ଆଇଏନ୍ସିରେ, ଓକେ, କିନ୍ତୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁସଲିମ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସିଏ ଥିଲେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଠି କ'ଣ ଦେଲା ଆପଣଙ୍କର, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ୱାଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ ସାଇନ୍ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍। ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍, ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ କଥା ଯଦି କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପଡ଼ିଥିବ ଆର୍ଟିକଲ 370 ଯେଉଁ କାଶ୍ମୀର ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା, ତ ତାର ଉପରେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରୁମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କିଏ, ଇଏ ତ କାଶ୍ମୀରର ରାଜା ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ, ବଟ୍ ଏଠି ପ୍ରଥମେ କିଏ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ, ଦ ମହାରାଜା ଅଫ୍ ବରୋଦା, ନା ଦିୱାନ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭାଙ୍କର, ଦା ନିଜାମ ଅଫ୍ ହାଇଦ୍ରାବାଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରଥମେ କିଏ ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ, ନା ପ୍ରଥମେ ଏଠି ଆମର ସାଇନ୍ କରିଥିଲେ ଆମର ଯେଉଁ କ'ଣ ଦିୱାନ ଅଫ୍ ଟ୍ରାଭାଙ୍କର ଯେଉଁ ଥିଲେ, ସେଇ ହେଉଛି କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ସାଇନ୍ କରିଥିଲା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଏଠି ହେଲା ଦ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ୱାଜ୍ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବା ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ୍ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ନା ଲର୍ଡ ମକ୍ଲୋଇଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ମନେ ରଖିଥିବେ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହୁ ଏମଙ୍ଗ ଦ ଫଲୋଇଂ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ତ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି, ଜେମ୍ସ ହିକେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ, ସୋ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରିପିଟ୍ ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଦ ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ୱାଜ୍ ପାର୍ଟିସନ୍ ଇନ୍ ଟୁ ପାର୍ଟସ୍ ଇନ୍ 1905 ବାଏ, ଯେଉଁ ବେଙ୍ଗଲଟା ଯେଉଁ ପାର୍ଟିସନ୍ ହେଇଥିଲା ଦୁଇ ଭାଗରେ 1905 କାହା ଦ୍ୱାରା ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଲର୍ଡ ଲିଓଟନ, ନା ଲର୍ଡ ରିପନ୍, ନା ଲର୍ଡ ଡଫ୍ରିନ୍, ନା ଲର୍ଡ କର୍ଜନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆମର ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କାହା ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା, ନା ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିଲା ପାର୍ଟିସନ୍। ସୋ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଅଫ୍ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଡ୍ୟୁରିଂ ଦ ରିଭଲ୍ଟ 857 ରିଭଲ୍ଟରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣର କିଏ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ, ଏଇଟା ତ ଭେରି ଭେରି ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ଲର୍ଡ କ୍ୟାନିଂ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ଦ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ କେମ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେବେ ଆସୁଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଇୟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ମନେ ରଖିଥିବେ, କାହିଁକିନା ଇୟର୍ ଯେତିକି ଗୋଟେ କ୍ରୋନୋଲୋଜିକାଲ ଅର୍ଡ଼ରରେ ପଚାରିଦେବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ସୋ ଏଠି କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମିଶନ କେବେ ଆସିଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆକୁ, ନା 1946 ମସିହାରେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କ'ଣ କହିଲା, ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟୁ କମ୍ ଆଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଲିଭ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ପ୍ରଥମେ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଥିଲା ଲାଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ିଥିଲେ ସେ କିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ତ ଇଂଲିଶ ହେବନି କି ଫ୍ରେଞ୍ଚ ହେବନି ତ ଡଚ୍ ହେବନି, ସେ କିଏ, ନା ଦ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଓକେ, ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଆସିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବନି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଆସିକି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆସିଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ଗଲେ, ନାଇଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, କାହିଁକିନା ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଗଲା ପରେ ବି ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ମାନେ ଟ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲେ, ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ, ତ ସେଇଥିପାଇଁ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ ଏଠି ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କ'ଣ ହେଇଥିଲା, ହୁ ଆର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆମର କିଏ ଥିଲେ, ନା ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ, କେବେ ବି ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟବେଟନ୍ ମାରିବେନି। ଯଦି ଆସିଲା ହୁ ଆର୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ବ୍ରିଟିଶ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଆସିବ, ବ୍ରିଟିଶ ଇଣ୍ଡିଆ ଆସିଲା ମାନେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟେନ୍ ବେଟନ୍ ମାରିବେ, ବଟ୍ ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ଜେନେରାଲ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମାରି ଆସିବ ମାନେ ସି ରାଜଗୋପାଳଚାରୀ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିବେ, ନହେଲେ ତରତରରେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଡ଼ିଲେ ଏଇଟା ଆପଣ ଭୁଲିଯିକି ମାରିଦେବେ ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବେଟନ୍ ଅପସନ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଡ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇନ୍ ଦ ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ, ସେକେଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ କିଏ ରେଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆର, ନା ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି, ଏଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିପାରେ ଯେ ତିନି ଥର କିଏ ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁ ତିନିଟା ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ କନଫରେନ୍ସ, ସିଏ କିଏ ହେଉଛନ୍ତି, ନା ଭୀମ ରାଓ ଆମ୍ବେଦକର, ଓକେ, ବି ଆର୍ ଆମ୍ବେଦକର କ'ଣ କହିଥିଲେ ତିନିଟା ରାଉଣ୍ଡ ଟେବୁଲ୍ରୁ ଆଟେଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଆର୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମେ କିଏ ଥିଲେ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କିଏ ହେବ, ନା ଆପଣ ଯେଉଁ ଜାଣିଥିବେ ଜର୍ଜ ହ୍ୟୁଲେ, ସିଏ ଥିଲେ କ'ଣ ପ୍ରଥମେ ଇଂଲିଶ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ। ହଁ, ଏ ହ୍ୟୁମେଜ ମାରିବେନି, କିନ୍ତୁ ପିଲା କିଛି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇକି ଏ ହ୍ୟୁମେ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ବା ଏ ହ୍ୟୁମେ କ'ଣ, ନା ଏ ହ୍ୟୁମେ ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ଫାଉଣ୍ଡର ଥିଲେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର, ବଟ୍ ପ୍ରଥମ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇଂଲିଶ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ, ଜର୍ଜ ହ୍ୟୁଲେ, ଓକେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, କହିଲା ଏଠି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ୱାଜ୍ ପ୍ରଫାଉଣ୍ଡଲି ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ବାଇ ଦ ୱେଟିଂ ଅଫ୍, ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ କାହାକୁ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ହେଇଥିଲେ, ତାପରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏକ ଆନ୍ସର କିଏ, ଲିଓ ଟଲଷ୍ଟି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଇଜ୍ ରାଇଟ୍ଲି କଲ୍ ଦ ଫାଦର ଅଫ୍ ଲୋକାଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଫାଦର ଅଫ୍ ଲୋକାଲ୍ ସେଲ୍ଫ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ରକମ କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଯେଉଁ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି, ନା ଲର୍ଡ ରିପନ୍କୁ କୁହାଯାଉଛି, ଓକେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ଦେଲା, ସାଇମନ୍ କମିଶନ୍ ୱାଜ୍ ବୟକଟେଡ୍ ବାଇ ଦ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ଲିଡର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ବିକଜ୍ ସାଇମନ୍ କମିଶନ୍ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆସିଲା, କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବୟକଟେଡ୍ ହେଇଥିଲା, ବା କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ବନ୍ଦ ହେଇଥିଲା, ନା ସେଥିରେ ଅଲ୍ ଦ ମେମ୍ବର ଅଫ୍ ଦ କମିଶନ୍ ୱେଆର୍ ଇଂଲିଶ, ସବୁ ଇଂଲିଶ କମିଶନ୍ ଥିଲେ, ମେମ୍ବର ଥିଲେ, କେତେ ଜଣ ବ୍ରିଟିଶର ଥିଲେ, ନା 7 ଜଣ ମେମ୍ବର ଥିଲେ, ଓକେ। ସୋ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଇଜ୍ କଲ୍ ଆଜ୍ ଅ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ, କାହାକୁ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କାହାକୁ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ କିଏଯାଉଥିଲା, ନା ଶ୍ରୀ ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ସରି ପିପୁଲ୍ ଅଫ୍ ପ୍ରଫେଟ୍ ଅଫ୍ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, କାହାକୁ, ନା ଶ୍ରୀ ରାମ। ପ୍ରଫେଟ୍ ମାନେ କ'ଣ, ପ୍ରଫେଟ୍ ମାନେ ଗୁରୁ, ଆପଣମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ପ୍ରଫେଟ୍ ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कहला द पूर्ण स्वराज रिजल्यूशन वाज अडप्टेड इन द आनुआल सेसन अफ द इंडिया नेशनल कंग्रेस हेल्ड आट तो पूर्ण स्वराज जो होता है कौटी होता ना पूर्ण स्वराज यहाँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाहौर सेसन होता के 1929 वेरी वेरी से आम लिडर किए थे इंडिया नेशनल कंग्रेस जवाहरलाल नेहरू थे यंगेस्ट लिडर भी से कहला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन कहला हु इज द नोन आज द इंडियान बिस्मार्क इंडियान बिस्मार्क ये क्या कहुच ना इंडियान बिस्मार्क क्या कहुचना वल्लभ भाई पटेल को इंडियान बिस्मार्क बोली कहुच सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन होता ना हु आर द नवाब हु एंड डलहौसी अनेक्स्ट अवादी इन 856 किए से नवादी थे ना जिते बड़े कौन कि नवाब थे जो डलहौस अनेक्स्ट करते अवध को देखो सी थे किए ना आप जानते सी थे आमर वाजिद अली शाह जी लास्ट मानने कौन लास्ट रूलर भी थे अवधर तो यहाँ हम आम करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु टर्मड क्रिप्स प्रपोजल आज पोस्ट डेटेड चेक इन क्रसींग चेक किए ये क्रसींग चेक को पोस्ट डेटेड चेक कहला जोटा कि क्रिप्स बोली कहुए टर्म को आंबेदकर अनिबेशन पटेल ना गांधीजी देखो ये जो आम रईट आंसर किए हाँ ना गांधीजी ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा द स्टेट झांसी वाज मेड अ पार्ट अफ द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया थ्रो कहू थ्रो रे एटा जो स्टेट झांसी की जो मैंने ब्रिटिश एम्पायर किसी पार्ट हो जाता ना से डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रे अपन माने जानी थी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स रे कौन होता ना सपोज गोटे राजार कहीं निजर संतान ना कहीं उत्तराधिकार ना सपोज से राजार डेथ हो जाऊँच से जहाँ तार धन संपत्ति से सब ब्रिटिश हाथ को पलाऊला और जदि भी सी किसी क्या पुह कि क्या झील कर तो सी भी सी कौन कि राजा हो पारे जदि तार कहीं उत्तराधिकार ना मैंने से ब्रिटिश अंडर को सही स्टेटा पढ़ाऊला सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन देला ना महात्मा गांधी स्टार्टेड हिज दांडी मार्च फ्रॉम दांडी मार्च महात्मा गांधी कौटू स्टार्ट करते दांडी मार्च से कौटू स्टार्ट करते ना साबरमती आश्रम स्टार्ट करते के 1930 पर मैंने जानते हैं 1930 दांडी मार्च स्टार्ट होता नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हु फाउंडेड द सर्वेंट अफ इंडियान सोसाइटी सर्वेंट अफ इंडियान सोसाइटी किए फाउंड करते ना सी होती गोपाल कृष्ण गोखले ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन देला ना द ओरिजिनल नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद वर्ज स्वामी विवेकानंद ओरिजिनल नाम कौन थिला नरेंद्रनाथ दत्त ना बटकेश्वर दत्त ना कृष्णा दत्त ना सुरेंद्र दत्त देखो ये राइट आंसर कौन नरेंद्रनाथ दत्त सो ये तो थिला किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपन को वीडियो केमती लगला मत कमेंट बॉक्स में जनइबे आउ वीडियो को लाइक करेंगे आपन मन फ्रेंड मैं शेयर करेंगे जो मैंने एग्जाम क्या बहुत इंपोर्टेंट हम ये क्वेश्चन टाइम जी इंपोर्टेंट क्वेश्चन नहीं थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।